ओके नमस्कार। अभी वापिस एक बार हमको कॉल आया और स्पॉट पे आज मैं पहुंचने के बाद देखा फिर से हमारा जो आमना सामना हुआ है ट्रिंकेट स्नेक के साथ हुआ है, महाराष्ट्र में जो तस्कर के नाम से जाना जाता है इसका, और काफी कॉमन है, हर बार आपको बोलता हूँ। तो अभी ये यहाँ पे एक साइकिल में फंसा हुआ, तो पहले उसको बाहर निकालता हूँ और निकालने के बाद आपको थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। उसको ज्यादा जोर नहीं लगा सकते ना। माला सर बाइट घे तू चावल ना लपड़ो भाई तो आप देख सकते हो कि ये ट्रिंकेट स्नेक की रेस्क्यू किया है और काफ़ी बड़ी साइज है। अभी दो थोड़ी देर पहले हमने एक वापस से ट्रिंकेट स्नेक को रेस्क्यू किया था तो उसकी वीडियो नहीं हम बना सके बारिश की वजह से, तो काफ़ी बड़ा साइज है आप देख सकते हो इसको। तो देखो ये नॉन पॉइजन है, ये जो सांप है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बोलता हूँ मैं। इसको महाराष्ट्र में तस्कर के नाम से जाना जाता है, ये हिंदी में इसको अलंकार सांप बोलते हैं, गुजराती में गुजराती जो लोग हैं इसको वन सुंदरी के नाम से इसको जानते हैं, इंग्लिश में ट्रिंकेट स्नेक बोलते हैं। अभी ये काटेगा, अभी ये अभी गर्दन अपने फुला रहा है तो ये इशारा देता है हमको यहाँ पे बाइट के चांस हो सकते हैं। अभी तो आपको दूर से थोड़ा सा बताता हूँ मैं, ये जो है नॉन पॉइजन सांप है और ये सांप जो एकदम कॉमन है, ये आपको हमेशा घर के आसपास और घर के अंदर ये आ जाता है छिपकली वगैरह खाने के लिए, चूहे खाने के लिए। तो इसको देख के डरना नहीं, लोग इसका डिज़ाइन देखकर इसको कोबरा समझ के मार देते हैं, तो इसको देख के घबराना नहीं सबसे पहले, क्योंकि ये एकदम कॉमन सांप है। मेरे जितने भी वीडियो है मैंने आपको वीडियो में आपको डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है और इसके बारे में उसको जूम करके मैंने दिखाया हुआ है आपको। इस सांप को अच्छी तरह पहचानना, ये सांप की एक पहचान वापस आपको बोल देता हूँ मैं कि ये जो सांप है इसकी गर्दन को देखना, इसकी गर्दन से लेकर पीठ तक इसको डिज़ाइन होता है। ये देखो ये इसकी गर्दन है और गर्दन के ऊपर दो काले कलर के इसके ऊपर डार्क आपको निशान दिखाई देंगे, सबसे पहले वो निशान देखना है। उसके बाद ये जो निशान है ये गर्दन से लेकर पीठ तक निशान इसके होता है, पीठ से जो निशान इसका गायब हो जाता है, पूरा ये प्लेन हो जाता है। तो ये इसकी पहचान है। और दूसरी इसकी एक पहचान बता देता हूँ कि इसके दोनों तरफ से आपको डार्क ब्राउन कलर की लाइन दिखाई देगी ऐसे। ये देखिए पीछे हटो, पीछे सर को पीछे हटो, पीछे काटेगा वो एवढं जवळ दामले जर माग सरकायचं जरा तर चावला तर लय घालता होतो तू। तो ये इसकी पहचान है, तो उसको देख के डरना नहीं है आपको। एक बार मैं नीचे एक बार दिखा देता हूँ उसको, रख के आप इसको देख लो, इसके डिजाइन को देख के लोग डर जाते हैं, तो उसको देख के डरना नहीं। और ये नाग नहीं है, ये कोबरा नहीं है, इसको तस्कर साहब बोलते हैं, नॉन वेनमस नॉन पॉइजनस है। लेकिन नॉन पॉइजनस होने के बाद भी इसको छेड़ना नहीं और इसको पकड़ने की कोशिश करनी नहीं किसी ने। आपली ते गाडीवरती ते बरे ते आमची जी स्कूटी लावली ना तिथे बर्नी ठेवली, ते बर्नी आता हेच पकडलं होतं तिथं आम्ही, त्याकडे उशीर झाला आम्हाला श्रीकृष्ण नगर मध्ये। तो आप देख सकते हो कि ये ट्रिंकेट स्नेक है, वापिस आपको इसके बारे में मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वापिस से देता हूँ कि नॉन पॉइजनस सांप है, महाराष्ट्र में तस्कर के नाम से जाना जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और एक रेस्क्यू किया था तो हमने इसको जार में रखा हुआ, आप देख सकते हैं ये भी ट्रिंकेट है, ये भी ट्रिंकेट है, तो हम दोनों को अभी एक ही जार में डाल देंगे। छोटा है